सो so, ट्रेडर्स इस वक्त का जो अपना टाइम हुआ है टू फोटी एट पॉइंट फाइव सिक्स फाइव सेवन एंड फिफ्टी एट फिफ्टी नाइन फोर्टी नाइन हो गया है पचास मिनट मान करके चल सकते हैं पंद्रह से बीस मिनट लगभग बचे हुए हैं अपने पास अपना पूरा का पूरा जो ऑर्डर ही निकलने की जो डेड लाइन होती है डेड टाइम होता है उसके लिए तो अभी हम मान करके चल सकते हैं तीन से चार कैंडल्स का और समय हमारे पास है अगर हम होल्ड करना चाहें तो तीन से चार कैंडल्स तक और हम होल्ड कर सकते हैं इस वक्त के जो ऑर्डर्स अपने चल रहे हैं पोजिशन hmm, बुक पोजीशन बुक 11,500 के अराउंड हम प्रॉफिट में बने हुए हैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं सो इलेवन थाउजेंड इलेवन के अराउंड प्रॉफिट के अंदर हम बने हुए हैं एंड ऑर्डर को एक वक्त देख लेते हैं ऑर्डर बुक में आप देखिए 800 हंड्रेड क्वान्टीज से ऑर्डर हमने अपना मॉर्निंग में एग्जीक्यूट किया था सेवन पर हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ था एंड सेवन पर हमारी एंट्री थी सो so, अब ये समय है बाहर निकलने का बिकॉज अभी जैसे हमने बताया कि टाइम खत्म हो रहा है एंड इंटरडे में अब अपने पास अब ज़्यादा समय बचा नहीं है एंड लग भी नहीं रहा है कि मोमेंटम कोई बहुत अच्छा मार्केट दिखा देने वाली है बिकॉज इस जगह पर जहाँ पर हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था अपनी कन्फर्मेशन लेने के बाद में बिकॉज मॉर्निंग में वहाँ पर एक रेजिटेंस फॉर्म हुआ और जब प्राइस उस जगह पर आया तो यहाँ पर हमने अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर दी एंड स्विंग्स के जो स्टॉप लॉस थे वहाँ पर हमने लगा दिए और कल के कुछ एक इम्पॉर्टेंट एरियाज़ को फाइंड किया जहाँ पर हमने अपना स्टॉप लॉस लगाया सो एंट्री स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स में लगाए थे एक राउंड फिगर में आप मान सकते हो 710 का टारगेट हमने सोच करके रखा था बट उसको और थोड़ा सा बफर दे करके एक रुपये का बफर कर दिया तो यह बन गया हमारा लगभग सात सौ का टारगेट हालांकि पूरे दिन साइडवे रहने के बाद में एक ही कैंडल ने टू का मोमेंटम दिखाया 2.80 का और सारा का सारा टारगेट हमको हमारा मिल गया सो so, ओवरऑल ये अपना ट्रेडिंग सेटअप था एंड डे टाइम फ्रेम पर अगर आपको हम लेकर के चलें देखिए डे टाइम फ्रेम पर प्राइस के अंदर एक रेजिस्टेंस लेवल था काफ़ी पुराना एक सपोर्ट एक्सिस बैंक ने ब्रेक किया ये वाला देखिए सिर्फ एक ही कैंडल है जिसने डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग की थी इसके बाद में प्राइस सीधे मेरा ऊपर चढ़ गया था मतलब इस एक एरिया पर ये वाला जो पॉइंट है ये अपना सपोर्ट एरिया है यहाँ पर देखिए प्राइस ने एक गैप डाउन ओपनिंग दिखाई और फिर से प्राइस हमारा अप ट्रेंड में चला गया अगेन देखिए प्राइस हमारा नीचे की दिशा में गिरा और इसने क्या किया है मॉर्निंग में एक गैप डाउन ओपनिंग दी मतलब कल की रेंज से नीचे आकर के इसने एक ओपनिंग दी और सपोर्ट्स के मॉर्निंग में ब्रेकआउट इसने किए जैसे आप देखोगे मिनट के टाइम फ्रेम पर देखिए ये जो रेंज है इसके नीचे कितनी अच्छी इसने ओपनिंग दिखाई थी और वॉल्यूम भी ठीक ठाक वॉल्यूम आ गई थी एक सफिशियंट वॉल्यूम इसके अंदर आई थी सो जिस वजह से हमने इस स्टॉक को ट्रेड किया था मॉर्निंग में प्राइस ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया एक रेजिस्टेंस डाउन साइड की तरफ प्राइस यहाँ पर गया इसने नाइन फिफ्टीन के हाई को प्रोटेक्ट किया फिर से नीचे की तरफ गिर गया मतलब कि एक स्विंग ये ब्रेक हुआ एक स्विंग ये ब्रेक हुआ फिर से प्राइस हमारा अप साइड की तरफ गया और वापस से प्राइस हमारा इस वाले स्विंग पर जाकर के जब ये रिजेक्ट होने लगा तब यहाँ से हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया स्विंग के भी जैसे हमने बताया कि यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस हमने फिक्स कर दिया था अपना कि अगर लॉस होगा तो मिनिमम यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम जो अपना लॉस ले सकते थ्री थाउजेंड कुछ रुपीज़ का लॉस था सो so, ओवरऑल ये सिस्टम uh, था ये सेटअप था बिल्कुल सिंपल सेटअप था कि एक आपका सपोर्ट एरिया है बट प्राइस ने क्या किया मॉर्निंग में एक अच्छा मोमेंटम नीचे की दिशा में दिखाया 915 का लो ब्रेक हुआ अगेन प्राइस हमारा अप साइड की तरफ चला गया फिर से नीचे की तरफ गिरा यानी कि कितने तीन लो इसने ब्रेक किए ये वाले और फिर ये वाला भी लो ब्रेक हुआ था अगेन जब प्राइस हमारा अप साइड की तरफ गया मार्केट ने मॉर्निंग में मोमेंटम दिखाया उसी रेजिस्टेंस से हमने इसको डाउन साइड की तरफ ट्रेड कर दिया सो so, एक अच्छा मूव दिया और ये वाली जो अपनी कैंडल है इसने काफ़ी अच्छा मोमेंटम हम लोगों को दिखा दिया एक्सपेक्टेशन थी कि एक्सिस बैंक आज ठीक ठाक मोमेंटम दिखा सकता है हम लोगों को बिकॉज ये अपने काफी पुराने सपोर्ट एरिया पर ट्रेवल कर रहा है तो अगर होता है इंटर ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा टारगेट हमें दे सकता है सो so, एक अच्छा मूव एक बेहतर मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मॉर्निंग में एक्सिस बैंक के अंदर से जो कि हमको मिला देखिए ओवरऑल ये जो गेम होता है ना आपके पेशेंस का है एक बार जो आपने अपनी स्टडी कर ली उस स्टडी पर आप कितना बिलीव कर पा रहे हो उसका भी है आप चाहे जितनी भी अच्छी स्टडी कर लो बट अगर बिलीव नहीं तो हो सकता है कि आप अपने ट्रेड को होल्ड ही ना कर पाओ वो जो अंदर एक फियर होता है ना वो आपको ज्यादा देर तक ट्रेड को होल्ड ना करने दे प्राइज ने क्या किया था ना एक साइड पर मोमेंटम दिखाया था ये देखिए तो हो सकता है कि हम यहाँ से निकल जाते या जब प्राइज ने हमारे स्विंग्स को कभी भी लगता है ना कि प्राइज हमारे स्विंग्स को ब्रेक कर रहा है क्या करें क्या करें क्या करें ये जो डर होते हैं ये डर हमें बहुत बार कोशिश करते हैं कि प्राइस से बाहर निकाल देते हैं बट जैसे ही आप निकलते हो प्राइस आपके टारगेट की तरफ तो बढ़ने लगता है जिस तरह से भी हमने पता है कि एक बार अगर आपने अपनी एंट्री कर ली तो या तो स्टॉप लॉस या टारगेट है स्टॉप लॉस ट्रेल करने के मामले में इस पक्ष में हम थोड़ा सा नहीं होते बिकॉज स्टॉप लॉस ट्रेल करने से भी अच्छा एक सिस्टम होता है अगर आप उसको अप्लाई करोगे तो स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करोगे आप फिर भी कुछ कुछ जो जिस वजह से आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हो ना कि आप प्रॉफिट में रहो इसीलिए तो हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं ना कि प्राइस थोड़ा सा हमारा नीचे आ गया देखिए प्राइस इस वाले एरिया से नीचे आया हमने क्या किया कि अपना स्टॉप लॉस अगर मेरा यहाँ पर था तो हमने यहाँ पर रख दिया फिर जैसे प्राइस ने ये वाला स्विंग ब्रेक किया हमने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रख दिया फिर प्राइस ने हमारा प्रीवियस को एक सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक किया तो हमने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रख दिया हमने क्या किया कि अपने प्रॉफिट्स को हम सेव करते चले जा रहे हैं ना इसीलिए तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं लेकिन सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल करना ही एक तरीका होता है अपने प्रॉफिट्स को सेव करने का नहीं स्टॉप लॉस जब आप ट्रेल करते हो उससे होता क्या है कि आपका सिस्टम बिगड़ जाता है जैसे कि आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले जिस तरह की रीडिंग की थी कि ये वाला जो हमारा एरिया सेवन थर्टी फाइव पॉइंट थ्री फाइव यह एक ऐसा एरिया है कि अगर प्राइस हमारा रिट्रेस भी करता है क्योंकि हमारी रीडिंग के अकॉर्डिंग ये एक रेजिस्टेंस लेवल है प्राइस अगर रिट्रेस करता तो यहां तक आएगा यहां गिरा फिर से ये यहां तक चलाएगा यहां पर आया हो सकता है ये नीचे की तरफ जाए अगर इसको रिट्रेस करना है तो फिर ये यहां तक जाएगा और यहां से फिर ये नीचे की तरफ गिर जाएगा क्योंकि एक रेजिस्टेंस एरिया है अब ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले हमारा जो स्टॉप लॉस का एरिया था वो ये वाला था हमने क्या किया स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया नीचे की तरफ मतलब कि जानबूझ करके अपने स्टॉप लॉस को हम एक डेंजर जोन में लिया है देखिए सबके अपने सब अपने मेथड्स हैं सबके अपने अपने तरीके हैं कौन किस में सेटिस्फाई होता है किस तरीके से वो ट्रेड करने में अपने आप को ज़्यादा कह सकते हैं कम्फर्ट फील करता है मेरे अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस ट्रेल करना हमारे पर्सनल प्रोस्पेक्टिव से अच्छा नहीं होता है बिकॉज आप अपने सिस्टम को खुद बिगाड़ देते हो हमें मालूम है कि स्टॉप लॉस जो हमारा सेफ रहेगा वो ये वाली जगह यहीं तक हमारा सेफ रहेगा अगर हम इसके नीचे लेंगे तो प्राइस अगर रिट्रेस करता तो यहाँ तक ये रिट्रेस करेगा अब आपने अपने स्टॉप लॉस को ऑलरेडी यहाँ से उठा करके यहाँ पर ट्रेल कर दिया प्राइस रिटेल्स होने आया उसने आपका स्टॉप लॉस लिया और फिर टारगेट दे दिया सिस्टम नहीं बिगाड़ना है जो सभी लोग बात करते हैं ना कि बिलीव करिए जो एनालिसिस आप करो उसके ऊपर बिलीव करो जिस सिस्टम के थ्रू आप काम कर रहे हो उस सिस्टम के ऊपर बिलीव करो और थोड़ी देर के बाद में स्टॉप लॉस ट्रेल करने के नाम पर अपना सिस्टम हम खुद ही बिगाड़ देते हैं तो ऐसा नहीं करते स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करना सिर्फ आप इतना ही समझ सकते हो बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं स्टॉप लॉस ट्रेल करना आपके लिए सेफ हो तो आप उसको कर सकते हो बट मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉप लॉस ट्रेल करने से भी अच्छे सिस्टम्स हैं जिसका हम लोग यूज़ करते हैं और जब आप उसको यूज़ करोगे तो बहुत हद तक ये चांस रहता है कि अपने सिस्टम को बिगाड़े बगैर ही आप अपने स्टॉप लॉस को सेव कर ले जाओगे अपनी क्वांटिटीज को सेव कर ले जाओगे अपने प्रॉफिट्स को सेव कर ले जाओगे करना क्या होगा मान लीजिए कि आपके पास हैंड्रेड क्वांटिटीज हैं अब यहां पर आपको लग रहा है कि नहीं इसके नीचे प्राइस हमारा नीचे की तरफ गिर गया है ना अब हमें अपने स्टॉप लॉस को यहां पर ट्रेल कर लेना चाहिए हमने अपने प्रॉफिट को सेव किया प्रॉफिट को सेव करने का एक दूसरा तरीका है आप कुछ क्वांटिटीज बुक कर लो कुछ प्रॉफिट बुक कर लो बाकी को छोड़ दो आपका स्टॉप लॉस भी यहीं पर लगा हुआ है आपकी एंट्री का पॉइंट तो चेंज हो गया नहीं और आपका टारगेट एरिया भी वही है आपने अपने सिस्टम में एक पैसे की भी छेड़छाड़ किए बगैर अपने प्रॉफिट्स को सेव कर लिया है कुछ क्वांटिटीज को निकाल करके और यह बहुत सिंपल बहुत इफेक्टिव तरीका होता है ट्रीट एग्जीक्यूट करने के बाद में अपने इमोशंस को होल्ड करके जब आपको रखना होता है उस समय ये बहुत काम आता है ये जस्ट एक छोटा सा इशारा हमने किया है आपको अगर आप इसको अप्लाई करोगे ना तो बहुत हद तक आप चेंजेस देख पाओगे अपने ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो उसको जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा कमेंट्स कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करने की कोशिश कीजिएगा क्लियर है तो ये एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम अपने प्रॉफिट्स को सेव कर सकते हैं लेकिन इसके आगे और भी कई सारे तरीके होते हैं जिससे कि हम अपने प्रॉफिट को भी बचा सकते हैं हमारा सिस्टम भी बेकार नहीं होता हम अपने सिस्टम को कभी ट्रेल नहीं करते हैं और क्वानिटीज़ भी हमारी कम से कम हमारे फेवर में आती हैं और इसके अलावा और भी कई सारे तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग अपने ट्रेड्स को होल्ड करते हैं और अपने प्रॉफिट्स को सेव करते हैं क्लास वगैरह में जो चीज़ हम बताते हैं वो तो चलिए अलग है, है लेकिन ये जितने भी फ्री वीडियोस के अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें हम आपको बता देते हैं ना आप इसको अप्लाई करो बहुत हद तक आपका जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो मज़बूत होता चला जाएगा थैंक्स एंड आई होप कि जो भी चीज़ हमने समझाई है कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ समझ में आई होगी तो अब एक काम करते हैं यहाँ से अपने ट्रेड्स को हम लोग गुड बाय कर देते हैं स्क्वायर ऑफ एनसी सबसे पहले ऑर्डर बुक में जाएंगे यहाँ से अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर करते हैं कैंसिल कैंसिल सो ये कैंसिल हो चुका है कैंसिल 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 कैंसिल्ड ठीक है और अब वापस पोजन बुक पोजन बुक में आकर के यहाँ पर एक ऑर्डर लगाएंगे हम लोग प्राइस क्या चल रहा है ग्यारह हज़ार दो सौ तिर तो, का प्रॉफिट चल रहा है निकल जाते हैं होल्ड करने से कुछ फ़ायदा है नहीं ग्यारह हज़ार दो सौ ग्यारह हज़ार चालीस रुपये प्राइस क्या है सात सौ अट्ठारह रुपये का चल रहा है दस हज़ार हो गया कॉपी स्क्वायर ऑफ एन एस सी दस हज़ार नौ सौ पेस्ट सात सौ सत्रह पॉइंट पंचानबे नब्बे निकल जाते हैं यहाँ से सीधे लीजिए सारी क्वांटिटीज निकल गई कितनी बची कितनी बची कितना प्रॉफिट है दस हज़ार नौ सौ उनतीस रुपये का सो so, आज का जो हमारा इंटरडियो का अपना प्रॉफिट है एलेवन थाउजेंड अराउंड का प्रॉफिट है हाँ सात रुपये सात रुपये कुछ कम है एंड ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो टेन थाउजेंड नाइन हंड्रेड कैराउंड का प्रॉफिट है जो कि मेरे लिए सेटिस्फाइंग प्रॉफिट है कल के दिन भी हमने जो अपना प्रॉफिट बुक किया था फिफ्टीन थाउजेंड अराउंड का प्रॉफिट बुक किया था और आज भी एक्सिस बैंक ने एक अच्छा मोमेंटम दिखा है उसको कई दिन से हम वॉच कर रहे थे जैसे हमने बताया ना कि किसी भी एक ट्रेड को एग्जीक्यूट अगर आपको करना है तो उसे ट्रैक करना पड़ेगा कब वो आपके एक सही लेवल पर आ रहा है अब ऐसा तो नहीं है कि एक्सिस बैंक को हम रोज के रोज ट्रेड कर दे रहे नहीं कब वो स्टॉक हमको हमारे लेवल पर मिलता है हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग कब वो स्टॉक सही होता है ना जब आप इस तरह से ट्रेड में काम करोगे इस तरह से स्टॉक्स को सिलेक्ट करोगे तो मजा आ जाएगा आपको जैसे इतने सारे स्टॉक्स हैं अब हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि जितने भी स्टॉक हैं सबको जल्दी जल्दी से हम ट्रैक कर लें कि कौन सा स्टॉक हमको हमारे लेवल पर मिल रहा है ये ये एच डी एफ सी बैंक यहाँ पर आप टाइम फ्रेम चेंज कर दो जैसे डे टाइम फ्रेम लगा दिए ओके ये सारे लेवल्स बने हुए अपने देखिए ये सारे लेवल्स हैं ना जब जब हमको हमारा स्टॉक लेवल पर ये अच्छा ओके आ, फार्मा सेक्टर था इसने अपना लेवल ब्रेक किया था अपसाइड की तरफ ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हो सकता है जब हमने किसी दिन फार्मा सेक्टर फार्मा सेक्टर के स्टॉक को ट्रेड किया हो तब अपने फार्मा के लिए लेवल्स हमने मार्क करके रखे थे आज देखिए उस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद में कितना अच्छा मोमेंटम दिखाया

कोई भी स्टॉक अगर हम ट्रेड करेंगे तो उसकी क्या एनालिसिस रही है? आपको पता चल जाएगा बाकी प्राइवेट ग्रुप में मॉर्निंग में कई सारे स्टॉक्स शेयर किए गए थे तो प्राइवेट ग्रुप के अंदर काफी सारे स्टॉक्स हैं शेयर कर देते जैसे लेवल के नीचे क्लोजिंग हो जाए तो सेल करना है या फिर नहीं भी सेल करना है तो यहाँ पर मैसेज हो गया नॉट डोंट सेल क्लोज नहीं हुआ या जो भी है इसके पहले ऊपर में एक स्टॉक दिया गया था मोर देन वन टारगेट जो उसके दे गए थे सारे वो कम्प्लीट हो गए या फिर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आ गए तो वो भी यहाँ पर शेयर कर दी जाती जिससे कि एनालिसिस करने में आपको आसानी हो प्राइवेट ग्रुप के थ्रू लाइव मार्केट में ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर शेयर करने की कोशिश करते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन होती जिससे कि आपका ट्रेड मज़बूत मजबूत सके एक अच्छा ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर पाओ इस तरह से जितना भी हो सकता है हमारी तरफ से सपोर्ट यहाँ पर चलता रहता है सो थैंक्स एंड अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड वी विल मीट अगेन